तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग, सभी लोग का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मेरा नाम है चिन्मय और आज हम लोग इतने समय बाद कोई वीडियो डाल रहे हैं। आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 3। तो जैसे कि मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने ग्रैनी गेम में सब सारी चीज़ें पार कर ली थी, ग्रैनी चैप्टर 2 में सारी चीज़ें एस्केप कर ली थी। तो उसी तरह मैं आज ग्रैनी चैप्टर 3 भी खेलने वाला हूँ, पर मैंने आज से पहले ग्रैनी चैप्टर 3 कभी खेला नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं है अंदर क्या होगा, ट्रैप्स, एस्केप क्या क्या है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ पर गेम का इंट्रो चल रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर में कितने एस्केप हो गए। अभी यहाँ पर ये मेन डोर था, तो मेन डोर एस्केप होगा शायद से। ये कार है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार एस्केप होगा। और ये यहाँ पर क्यों, मतलब ठीक है जाने दो, अब उठ गया तो हमें उसे भी नीचे करना, उसके लिए कोई चीज़ लगेगी। अब हम जा कहाँ रहे हैं? तो अब ये घर के अंदर जा रहा है, इसे अंदर आने की ज़रूरत क्या थी पहली चीज़, ब्रिज के अंदर क्या पता। अभी यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट, ग्रैंडपा और उसके हाथ में शॉर्ट गन, मतलब बहुत तकलीफ होने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा डे 1 और हम कोशिश करेंगे कि इस गेम को हम पार कर पाए। बाकी मुझे अब कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ें लगने वाली है, कौन से एस्केप है। ग्रैंडपा के हाथ में अभी मैंने जस्ट देखा ये थी शॉटगन, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी ये मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया है, तो अब हम इसे लेकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुझे वही दिख रहा था, उससे बाहर निकलते ना तो ऐसे करते वो। अच्छा, तो अब इसे कितना टाइम लगेगा, शायद से खुल जाए यार, कितना टाइम लगाएगा भाई, कितना टाइम। सो गाइस, यहाँ पर खुल चुका है और अभी हम शायद से बेसमेंट में है। यहाँ पर एक रूम थी, आगे कुछ नहीं है यहाँ से, और यहाँ पर एक क्या है, कुछ नहीं था शायद से। सो अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं ग्रैनी के रूम में, और यहाँ पर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है मुझे नहीं पता। सो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्केलेटन है इसे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है, क्योंकि ये स्केलेटन बेचारा अकेला ठीक नहीं लग रहा है। वैसे वो बेचारा सदमे में है, बेचारे को ग्रैनी ग्रैंडपा ने मार दिया, तो उसी की तरह मेरी भी हालत ना हो उससे उसके लिए यहाँ पर हम एस्केप करने वाले हैं। और ये भी ऐसे ही खुलता है, मैं क्लिक कर रहा था, मुझे लगा कि डोर है ऑटोमेटिक खुल जाएगा अपना सादा दरवाज़ा, और ये स्टील का तो मुझे लगा। तो यहाँ पर हम रूम के अंदर आ गए हैं, एकदम सावधानी के साथ खेले, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब बीच का, और ग्रैंडपा के हाथ में शॉटगन है। यहीं पर डर लग रहा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर था, वो बेसमेंट था नीचे। ओके, मुझे बेसमेंट पता चल गया, बाहर भी हम जा सकते हैं। ये बेसमेंट है, यहाँ पर क्या है, पहले एक्सप्लोर तो करने दो यार। हमेशा की तरह चीज़ें कहीं भी नहीं होती। अरे ब्रो, सिलेंडरी ना थी वो, और मुझे कहीं से पता चला कि अगर सिलेंडरी ना आ जाती है, अगर हमने उसे कंटिन्यूस देखा उसके पास, तो हमारा वहीं पर ही डे ख़त्म हो जाता है। और ये लिफ्ट चालू नहीं हो रही, शायद से चालू हो गया, ले चालू है जाने दो। और ये गया है फायरवुड का क्या काम है, आई डोंट नो। बाकी हम अभी सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओ, ग्रैनी आ गई, वेलकम ग्रैनी, मुझे पहचानती हो तुम? नहीं पहचानती, बहुत बढ़िया, आओ बाय ग्रैनी। सो गाइस, यहाँ पर हम यहाँ से निकलते हुए ग्रैनी हमारा पीछा करते हुए, ग्रैनी को मारो गोली। वैसे मेरे पास शॉटगन नहीं है गोली मारने के लिए, ऐसे ही फालतू झोंक मारा मैंने। अब हम यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं, बस ग्रैंडपा ना आ जाए बीच में। अरे ब्रो मत देख मेरे, अरे यार मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ, स्क्रीन नहीं हिल रही। अरे ओ भाई, स्क्रीन ही मेरी अटक गई थी बीच में, और अब वैसे भी डे वेस्ट हो गया मेरी गलती की वजह से, और अब मैं कोई रीज़न ढूंढ रहा हूँ कि मैं मेरे ऊपर ब्लेम ना आ सके। बाकी अब चालू हो चुका है डे 2। सो गाइस, अभी तक मैंने कोई भी फैसला नहीं किया कि मैं कौन सा एस्केप करने वाला हूँ, क्या करने क्या वाला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सबसे पहले अरे यार, गेट वापस बंद हो गया, ठीक है जाने दो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई
अभी ग्रैनी ग्रैंडपा ने मुझे मारा, तो उन्हें मेरे पास से ये जो पिन है जिससे दरवाज़ा खोलते हैं वो ले लेना चाहता और अपने पास रख देना चाहता, तो फिर मैं दरवाज़ा ही नहीं खोल पाता और फिर मैं हमेशा के लिए ये बेसमेंट में स्टक होता। अरे यार कॉमन सेंस ही नहीं है, चलो जाने दो हमें क्या करना है, कॉमन सेंस को ही तेल लेने। अब हम लोग यहाँ पर एस्केप करने की तैयारी में है और बस ग्रैनी के तो दर्शन हो गए हैं, बहुत गंदे वाले दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर लगाना है मेरे से ये कोई की पैडलॉक की। ओह ब्रो ब्रो नहीं नहीं ग्रैनी, ऐसे मौके नहीं दूंगा, अब तू मुझे नहीं मार पाएगी, अब तू मुझे मार ही नहीं पाएगी। कैसे मारेगी तू, आजा मार 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 मार, मार। अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है ये घर में क्या क्या है और मैं बस घूमे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पैडलॉक किसी से खोल लेते हैं। अब हमें ग्रैनी बता यार, यहाँ पर तो मत आ प्लीज ग्रैनी, ग्रैनी मत आ। यस ग्रैनी, ग्रैनी कहाँ गई, बुढ़िया बुढ़िया, ओ भाई तू तो बड़ी चालाक है, कहाँ से आ जाती है कुछ पता नहीं चलता, बस आ ही जाती है। और ग्रैनी थी ना, कोई तो थी लेकिन मुझे नहीं पता। और यहाँ पर चाचा मिल रहा, ओ भाई कहा चल गया रहा। सो गाइस यहाँ पर मैं ट्रैप हो गया और मेरा डे ख़त्म हो गया। सो अब हमारा डे 3 स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पर हमारा डे 3 चालू हो चुका है, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गेम को हार जाऊंगा, लेकिन हमने ग्रैनी चैप्टर 3 में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्सप्लोर करने के बाद सारी चीज़ें पता होने के बाद, अरे भाई भाई भाई, 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 अरे ग्रैंडपा का निशाना चुका, ग्रैंडपा का, इतने बुरा नसीब है मेरा, देखो दोनों एक साथ आ गए पर इतना भी बुरा नहीं बाकी। अरे अरे ब्रो मुझे लग रहा था कि ग्रैनी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्चुअली में कि ग्रैनी मर सकती है क्या, और ग्रैनी मर भी गई थी और उसके बाद मैं भी मर गया था, वो मेरी गलती थी, मुझे वहाँ से तुरंत भाग लेना चाहिए था, लेकिन ग्रैंडपा के हाथ में गन बहुत दिक्कत देने वाली है हमें। सो गाइस यहाँ पर हमारा शायद से डे 4 चालू हो गया है, यहाँ पर मैं खून से लथपथ लंगड़ा हो चुका हूँ, लंगड़ा। सो यहाँ पर मैं लंगड़े जैसे भाग रहा हूँ, भाग चल रहा हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास लास्ट 2 यार, यार मेरा स्क्रीन भी नहीं हिल रहा है, भाई 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 भाई, भाई जाने दे। सो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब मुझे, पर मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये गेम है। और यहाँ पर डे 5 इतनी जल्दी। सो गाइस यहाँ पर मैं 90% गेम हार चुका हूँ, अब मेरे पास सिर्फ 1 डे है और इस सिलेंड्रीना की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मेरे ख्याल से हम ये गेम हार गए हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो मेरे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओ ग्रैंडपा यार मार मत दे यार, मैं तो दौड़ नहीं पा रहा, अरे यार मैं ट्रैप हो गया, शिट ब्रो नहीं 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 भागने तो दे। अरे भाई मुझे लॉजिक बताओ यार, उसके हाथ में गन थी और वो दोनों हाथों से मार रहे कुछ भी। बाकी अब हम यहाँ पर हार गए हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा इन दोनों का एटीट्यूड लेवल कुछ ज़्यादा है, खुद की ही कार में डालेंगे जिसको उन्होंने इतने लोन लेके खरीदी थी उसमें मुझे डालेंगे। और वो खुद भी मर गया इस बार वो खुद भी मर गया और ग्रैनी भी मर गई। ओ भाई बढ़िया,